ये अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन यहीं से रहेंगे कि आर्टिकल 37 किस पार्ट के अंतर्गत है, किसके अंतर्गत है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है, पार्ट 4 के अंतर्गत है, आर्टिकल बोले तो 36 से 51 के अंतर्गत है। तो 36 से 51 में 37 आर्टिकल 37 पर फोकस करने का काम करते हैं। 37 में निहित प्रावधानों के अनुसार नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत किए गए प्रावधानों उप प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती है। तो अब ये बताइए कि नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत जो भी प्रावधान है, जो भी प्रोविजन है या सब प्रोविजन है, क्या न्यायालय द्वारा बाध्यता दी जा सकती है? तो नहीं दी जा सकती। ये सब वन लाइनर ऑब्जेक्टिव पीटी लेवल को फोकस करता है जी। तो बाध्यता नहीं दी जा सकती है किसी भी कोर्ट में, परंतु इसके बावजूद नीति निदेशक तत्व शासन के मूलभूत तत्व हैं तथा विधि निर्माण की प्रक्रिया में इन तत्वों का प्रयोग करना, याद रखेंगे क्या बोला जा रहा है, इसके बावजूद नीति, चले कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है ना, चले तब तो अच्छा रहेगा, मॉर्निंग 5:30 to 7:30 कर दी जाए तो अच्छा, तब तो रेगुलर और टाइम पे भी रहोगे नहीं, चलिए अच्छा है। तो कहा जा रहा राज्य, यहाँ पर क्या कहा जा रहा कि विधि निर्माण की प्रक्रिया में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा, याद रखिए, इसलिए मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व, मतलब जो भी विधि जो भी कानून बना रहे हैं, निर्माण हो रहे हैं, उसका प्रोसेस में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो टोटल 37 में बताया जा रहा, 37 में सीधा बोला कि कोर्ट द्वारा बाध्यता नहीं की जा सकती है पार्ट 4 को। क्या बताया गया, ये कभी कोई कानून बनते हैं, विधि निर्माण होते हैं, तो उस प्रक्रिया में पूरा इन तत्वों का प्रयोग किया जाएगा, ये राज्य का कर्तव्य है। इसे स्पष्ट होता है कि नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के समान संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अब देखो, मौलिक अधिकारों को संवैधानिक प्राप्त है या नहीं, जी हाँ है। नीति निदेशक तत्व को संवैधानिक शक्ति प्राप्त है या नहीं, नहीं है, और वे न्याय योग्य अर्थात न्यायालयों के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। आप देखोगे मौलिक अधिकार का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय है ना जी, लेकिन तो वहाँ पर मौलिक अधिकार से रिलेटेड कोई भी बातें हैं कोर्ट में उठाए जा सकते हैं, न्याय कोर्ट के द्वारा लागू किए जा सकते हैं, लेकिन नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। परंतु इसके बावजूद राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपनी नीतियों का सृजन करते समय नीति निदेशक सिद्धांतों को आधार मानकर इसका ध्यान रखे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि नीति निदेशक सिद्धांतों को आधार मानकर इनका ध्यान रखे। नहीं, भारतीय संविधान निर्माताओं ने नीति निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार के सदृश न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय इसलिए नहीं बनाया कि संविधान लागू होने के बाद से ही नागरिक न्यायालयों के माध्यम से उक्त सिद्धांतों को कार्यान्वित करने की मांग करने लगेंगे, जिसको पूरा करने में सरकार सक्षम नहीं है। बात को समझिए, क्या बोला जा रहा, मौलिक अधिकार के सदृश न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय इसलिए नहीं बनाया कि संविधान लागू होने के बाद से ही नागरिक न्यायालयों के माध्यम से उक्त सिद्धांतों को कार्यान्वित करने की मांग करने लगेंगे, जिसको पूरा करने में सरकार सक्षम नहीं। ठीक है, तो 37 में आपने देख लिया पूरी तरीके से किन किन बातों पर फोकस किए गए कि कोई बाध्यता नहीं है, विधि निर्माण की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाएगा, ये राज का कर्तव्य है, संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। देखिए आपको क्वेश्चन कि आर्टिकल 37 से रिलेटेड कौन सी बातें सही है या नहीं है, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप वन लाइनर आपको दिए जा सकते हैं।